हेलो एवरीवन, पीजी सेमेस्टर थर्ड और टॉपिक है द ग्रेट डिप्रेशन 1929, महामंदी अथवा आर्थिक मंदी 1929। इतिहास में महामंदी या भीषण मंदी के नाम से जाने जाने वाली घटना एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी। यह सन 1929 के लगभग शुरू हुई और 1939-40 तक जारी रही। विश्व के आधुनिक इतिहास में यह सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्व की मंदी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में ऐसा कहर मचाया था कि उससे उबरने में कई साल लग गए। उसके बड़े व्यापक आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी हुए। इसे फासीवाद बढ़ा और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की नौबत आ गई। हालांकि यही युद्ध दुनिया को महामंदी से निकालने का माध्यम भी बना। इसी दौर ने साहित्यकारों और फिल्मकारों को भी आकर्षित किया और इस विषय पर कई किताबें भी लिखी गई। अनेक फिल्मों में भी इस विषय को खूब लोकप्रिय बनाया। यह महामंदी 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर बाजार में गिरावट से आरंभ हुई, जो 1930 से 1933 के बीच दुनिया के सभी प्रमुख देशों में फैल गई। इसका अंत 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के साथ ही यह काबू में आने लगी। विकास पर प्रभाव। 1930 के दशक की महामंदी को दुनिया की अब तक की सर्वाधिक विध्वंसक आर्थिक त्रासदी माना जाता है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी नरक बना दी। इसकी शुरुआत 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में शेयर मार्केट के गिरने से हुई थी। इसी दिन मंगलवार था, इसलिए इसे काला मंगलवार या ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है। इसके बाद अगले एक दशक तक दुनिया के अधिकांश देशों में आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म हो गया, मांग में भारी कमी हो गई और औद्योगिक विकास के पहिए जाम हो गए। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। कृषि उत्पादन में भी 60% तक कमी हो गई। एक दशक तक हाहाकार मचाने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ ही इसका असर कम होने लगा। कारण, अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट का इतना मनोवैज्ञानिक असर पड़ा कि वहां के लोगों ने अपने खर्चों में 10% तक की कमी कर दी, जिससे मांग प्रभावित हुई। लोगों ने बैंकों के कर्ज पटाने बंद कर दिए, जिससे बैंकिंग ढांचा चरमरा गया। कर्ज मिलने बंद हो गए। लोगों ने बैंकों में जमा पैसा निकालना शुरू कर दिया, इससे कई बैंक दिवालिया होकर बंद हो गए। 1930 की शुरुआत में अमेरिका में पड़े सूखे की वजह से कृषि बर्बाद हो गई, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था चरमरा गई। इसने नीम पर करेले का काम किया। अमेरिका की इस मंदी ने बाद में अन्य देशों को भी अपने चपेट में ले लिया और देखते देखते यह महामंदी में तब्दील हो गई। महामंदी का प्रभाव। अनुमान लगाया जाता है कि इस महामंदी से 1,30,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। 1929 से 1932 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की दर में 45% की गिरावट आई। 1929 से 1932 के दौरान आवास निर्माण की दर में 80% तक की कमी हो गई। इस दौरान 5,000 से भी ज्यादा अधिक बैंक बंद हो गए। प्रमुख परिवर्तन। साम्यवाद के प्रति रुझान। साम्यवादी राष्ट्र होने के नाते सोवियत संघ ने खुद को पूंजीवादी व्यवस्था से काट कर रखा था। पूंजीवादी देश भी उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहते थे, लेकिन इससे सोवियत संघ को फायदा ही हुआ और उस महामंदी से बच निकला जिसने पूंजीवादी देशों की कमर तोड़ कर रख दी थी। इस दौरान सोवियत संघ में औद्योगिक विस्तार हुआ। इससे मार्क्सवाद को प्रतिष्ठा मिली और उसे पूंजीवाद के विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा। यही कारण था कि कई प्रभावित देशों में इससे प्रेरित होकर सामाजिक और साम्यवादी प्रदर्शन और आंदोलन भी हुए। फासीवाद को बढ़ावा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि फासीवाद को बढ़ावा देने में इस महामंदी का भी हाथ रहा। फासीवादी नेताओं ने संबंधित देशों में इस बात का प्रचार करना शुरू कर दिया कि लोगों की खराब स्थिति के लिए उनके पूंजीवादी नेता ही जिम्मेदार हैं, जिससे फासीवाद ही बचा सकता है। जर्मनी में हिटलर ने
हिटलर ने इसी महामंदी के बहाने अपनी पकड़ मजबूत बनाई। जापान में हिदे की तोजो ने चीन में घुसपैठ कर मंचूरिया में इस आधार पर खाद्यान्नों का विकास किया और इससे महामंदी में राहत मिली। लेकिन इसका एक ही नतीजा निकला, द्वितीय विश्वयुद्ध, सस्त अर्थव्यवस्था का उदय। इस महामंदी का सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ कि अमेरिका जैसे देशों को अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए एक बड़ा फंड लग गया। अमेरिकी सहित विभिन्न देशों में सैन्य प्रसार प्रचार से न केवल नौकरियों के द्वार खुले बल्कि हथियारों के उत्पादन से अर्थव्यवस्थाओं में भी जान आ गई। इससे 1930 के दशक के उत्तरार्ध में महामंदी से निकलने में सहायता मिली। बाद में अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने इसे ही अपना खेवनहार बना लिया। आज हथियारों की बिक्री से इन देशों को भारी मुनाफा होता है, पूंजीवाद मजबूत हुआ। महामंदी के दौर में पूंजीवाद से मोहभंग की स्थिति को समझते हुए अमेरिका ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पश्चिमी देशों को मजबूत बनाने की योजना क्रियान्वित की। मार्शल प्लान नामक इस योजना का कागजों पर उद्देश्य तो विश्वयुद्ध से पीड़ित देशों के पुनर्निर्माण में मदद करना था, लेकिन असली मकसद साम्यवाद के संभावित विस्तार को भी रोकना था। इसके तहत यूरोपीय देशों को 17 अरब डॉलर की वित्तीय और प्रौद्योगिक सहायता दी गई। हालांकि इसके बावजूद सोवियत संघ की बढ़ती ताकत नहीं रोकी जा सकी। आर्थिक संकट का विश्व पर प्रभाव, जर्मनी पर प्रभाव। आर्थिक संकट के परिणाम स्वरूप जर्मनी में बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ी। 1932 ईस्वी तक 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इससे जर्मनी में बाह्य गणतंत्र की स्थिति दुर्बल हुई। हिटलर इसका फायदा उठाकर सत्ता में आ गया। इस प्रकार आर्थिक मंदी में जर्मनी ने नाजीवाद का शासन स्थापित किया। ब्रिटेन पर प्रभाव। 1931 ईस्वी में आर्थिक मंदी के कारण ब्रिटेन को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। सरकार ने सोने का निर्यात बंद कर दिया। सरकार ने आर्थिक स्थिरीकरण की नीति अपनाई। इससे आर्थिक मंदी से उबरने में ब्रिटेन को मदद मिली। व्यापार में संरक्षण की नीति अपनाने से भी व्यापार संतुलन ब्रिटेन के पक्ष में हो गया। ब्रिटिश सरकार ने सस्ती मुद्रा दर को अपनाया जिससे बैंक दर में कमी आई। इससे विभिन्न उद्योगों को भी बढ़ावा मिला। फ्रांस पर प्रभाव। जर्मनी से अत्यधिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, अतः आर्थिक मंदी का उस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक अपनी साख बचाए रखने में सफल रही। रूस पर प्रभाव। रूस में स्टालिन की आर्थिक नीतियों एवं पंचवर्षीय योजनाओं से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, अतः वह भी आर्थिक मंदी से बहुत प्रभावित नहीं हुआ। इससे विश्व के समक्ष साम्यवादी व्यवस्था की मजबूती एवं पूंजीवादी व्यवस्था का खोखलापन उजागर हो गया। अमेरिका पर प्रभाव। अमेरिका में बेरोजगारी 15 लाख से बढ़कर 1,30,00,000 हो गई। यूरोप में आर्थिक मंदी के कारण अमेरिका का यूरोपीय ऋण डूबने की स्थिति में आ गया। 1932 ईस्वी में आर्थिक संकट के कारण रिपब्लिकन पार्टी का हूवर पराजित हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार रूजवेल्ट ने आर्थिक सुधार कार्यक्रम की घोषणा के बल पर ही चुनाव जीता। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी। आर्थिक मंदी से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील की घोषणा की। न्यू डील के उद्देश्यों का सार उन्होंने इन शब्दों में बताया कि हम अपनी अर्थव्यवस्था कृषि और उद्योग में संतुलन लाना चाहते हैं। हम मजदूरी करने वालों, रोजगार देने वालों और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन कायम करना चाहते हैं। हमारा यह भी उद्देश्य है कि हमारे आंतरिक बाजार समृद्ध और विशाल बने और अन्य देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़े। रूजवेल्ट की न्यू डील से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। निम्नतम मजदूरी दर और अधिकतम काम के घंटे नियुक्त किए गए। इस प्रकार धीरे धीरे आर्थिक मंदी से उबरने की ओर अमेरिका अग्रसर हुआ। अतः फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की न्यू डील अत्यंत साबित कही जा सकती है।
धन्यवाद।